आम्रपाली ग्रुप के 40,000 ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर पिछले हफ्ते आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तीन को डेवलपर्स को आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने की जिम्मेदारी मिल गई है। आम्रपाली के 16 प्रोजेक्ट्स में से 8 प्रोजेक्ट्स गैलेक्सी ग्रुप को पूरा करने के लिए कहा गया है। अब इस फैसले के बाद ग्राहकों में घर का पोजीशन हासिल करने की उम्मीद तो जाग गई है, लेकिन शायद कई सवाल उन्हें जरूर परेशान कर रहे हैं। घर खरीदारों के इन्हीं सब सवालों का एक एक कर जवाब जानते हैं गैलेक्सी ग्रुप के CMD प्रदीप अग्रवाल से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद में ग्राहकों में और विशेषकर हम लोगों को बहुत खुशी का मौका मिला है। हमारे एक सोची समझी हुई एक कदम लिए हैं, हमको 8 प्रोजेक्ट मिले हैं। 8 प्रोजेक्ट में से उन्होंने कैटेगरी वाइज सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए मतलब जब पूरा सब कुछ काम हो चुका है, छोटा मोटा जो काम बाकी है उसको कैटेगरी ए में लिया गया है। कैटेगरी बी में थोड़ा बहुत काम बाकी है और बहुत काम हो चुका है, तो उसमें से हमको 8 प्रोजेक्ट मिला हुआ है। हमारा सोच ये है कि हमने एक सोची समझी पूरा ड्यू डिलिजेंस करके हमने समय दिए है सुप्रीम कोर्ट में, वो समय के भीतर में हमारा प्रॉमिस है कस्टमरों को कि वो टाइम के भीतर हम सबको फ्लैट देंगे। हमने पोजीशन का शेड्यूल बना लिए हैं, जैसे समझिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम लेजर पार्क में पहले काम करना चाहेंगे, उसमें 19 टावर हैं, 19 टावर में से E1 E2 टावर जो मेरे को एग्जैक्टली याद है अभी, उसको पहले हमने टारगेट किए हैं जो कि आने वाले 4 से 6 महीने में हम कंप्लीशन कर देंगे। उसके बाद ग्रेजुअली 19 टावर को हमारा आशा है कि 8 महीने के भीतर, मैक्सिमम 1 साल के भीतर 19 टावर को पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। इस हिसाब से हमने सब प्रोजेक्ट में हमने टारगेट ले लिए हैं और वो टारगेट के हिसाब से हम पूरा पूरा प्रोजेक्ट कर देंगे, जो कि आने वाले 8 महीना से लेकर 36 महीना में हम सब पूरा पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे। और बाकी जो कैटेगरी ए में है, जो छोटा छोटा काम है, वो तो आने वाले 1 हफ्ते के भीतर काम चालू कर देंगे और वो काम को ग्रेजुअली एवरीडे डेवलप दिखेगा और 6 महीने के भीतर सब काम खत्म कर देंगे वो सब प्रोजेक्ट में। फंडिंग के लिए ऐसा है कि हम रोटेशन बेसिस में रखे हैं कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमने हमारे पास फंड रेडी रखे हैं। एक लिमिटेड फंड हम सब प्रोजेक्ट में डालेंगे, वो यूज हो जाने के बाद में हमको सुप्रीम कोर्ट से हमने अनुग्रह किए कि एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा कस्टमर से आएगा या अनसोल्ड इन्वेंट्री से आएगा या जो अमरपाली को कोर्ट ने ऑर्डर किया है 250 करोड़ रुपये जमा करेंगे, वो पैसा हमको रिलीज होगा और वो पैसा को हम फिर कॉन्टिन्यूटी में लेके वो काम को पूरा करेंगे। अगर आम्रपाली 250 करोड़ रुपये जमा नहीं कर पाता उस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे? एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं नेगेटिविटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं तो आशा करूँगा कि आम्रपाली कैसे भी करके वो पैसा को जुगाड़ करके कोर्ट में जमा करेंगे, और नहीं करा पाए तो माननीय न्यायाधीश उसके ऊपर कुछ भी बोलेंगे और उस हिसाब से वो काम आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तो मैं आशा रखता हूँ कि वो पैसा को जमा हो पाएगा। मैं पॉजिटिविटी रहना चाह रहा हूँ। हाँ, वो पार्ट बाय पार्ट है, जैसे बहुत बहुत प्रोजेक्ट है, जैसे आपको अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था E1 E2 में, E1 E2 तो कंप्लीट हो ही जाएगा कि जो बिना कस्टमर से पैसा लिए हो जाएगा। जैसे बिगनिंग में हमारे पास 100 करोड़ की 200 करोड़ हम कैपिटल लेके चल रहे हैं, उतना में जैसे शुरू में E1 E2 में बहुत कुछ काम बाकी नहीं है, एक एक टावर में हमको 2-2, 3-3 करोड़ रुपया खर्चा करना, पहले हम उसको टारगेट करें, वो तो हम कंप्लीट कर देंगे। और ग्रेजुअली रोटेशन बेसिस में काम हो जाना चाहिए, कस्टमर के ऊपर बहुत बहुत पैसे का प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये हमारा सोच है। मैं पूरा भरोसा देता हूँ, एक बात बताइए, अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं ये झमेला में मेरा तो कोई ये जो भी घटना हुआ उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं था, मैं बिना मतलब फिर दूसरे के कोई घटना में मैं अपने आप का हाथ क्यों डालूंगा? मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं काम को पूरा कर पाऊंगा, मैं आर्थिक रूप से समर्थ हूँ कि काम को कर पाऊंगा, मैं मेंटली समर्थ हूँ, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थ है, इसके लिए मैंने इसमें हाथ डाला है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं काम को कर दूंगा।